देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में। जी हां, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों जो हैं वो दिल्ली में हैं और दिल्ली में उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई है, जिसके बाद मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश जा सकते हैं। आपको बता दें कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी अभी से ही अपनी सक्रियता उत्तर प्रदेश में दिखा रही है, जिसको लेकर अब जो है भूपेश बघेल की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। मुलाकात में ये बातें सामने आई है कि भूपेश बघेल जो है वो उत्तर प्रदेश जा सकते हैं। भूपेश बघेल इससे पहले असम विधानसभा चुनाव से पहले ही जो है वो असम गए थे, जहां पे उन्होंने रोड शो भी की थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वहीं अभी इधर भी उत्तर प्रदेश में भी भूपेश बघेल जो है वो रोड शो करते नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी इन दिनों उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय हैं और दोनों मिलकर कई नई रणनीति बना सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि भूपेश बघेल और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद क्या क्या बातें सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति और बूथ प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ कांग्रेस संगठन को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है। असम विधानसभा चुनाव में अपनी टीम के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के बूथ प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भूपेश बघेल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास पर पार्टी की महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा, कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल और राजीव शुक्ला से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं को उत्तर प्रदेश भेजने को कहा है और बैठक के दौरान चुनावी राज्य में बूथ प्रबंधन और कार्यकर्ता सम्मेलन की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन की गतिविधियों को तेज करने पर भी चर्चा हुई। बघेल की सिफारिश पर उनके संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का उत्तर प्रदेश का प्रभारी सचिव बनाया गया। बघेल से 2018 के एक समझौते को लेकर चर्चाओं के बारे में पूछा गया तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में उनका 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद क्या राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव पदभार संभालेंगे। इस पर बघेल ने संवाददाताओं से कहा है कि आला कमान के कहने के बाद उन्होंने शपथ ली थी और अगर पार्टी का नेतृत्व किसी और को जिम्मेदारी सौंपता है तो ऐसा ही होगा। हालांकि बघेल खेमे के सूत्रों ने कहा है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में उन्हें आश्वासन दिया गया है वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वही छत्तीसगढ़ AICC प्रभारी PL पुनिया ने कहा है कि नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें केवल मीडिया में है और यह सच नहीं है। पुनिया ने एक रिपोर्ट के अनुसार बताया है कि जो कुछ भी प्रसारित किया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है और उस पर ऐसा कोई समझौता या निर्णय नहीं हुआ था जिसके बारे में बात की जा रही है। वहीं आपको बता दे कि अब भूपेश बघेल को भी उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा। इससे पहले भूपेश बघेल असम में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहां भी चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। इस बार अब उत्तर प्रदेश में भी उन्हें भेजा जा रहा है। आपको बता दे कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी काफी एक्टिव हो गई है और अभी से ही कार्य करने में जुट गई है, जिसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा से भूपेश बघेल की बातें हुई और बातों में ये साफ संदेश मिले हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी हाईकमान चाहती है कि भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश जाएं और वहां पर जाकर चुनाव प्रचार करें। इससे पहले ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा 15 जुलाई के बाद उत्तर प्रदेश जा सकती हैं, जहां पर कई कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगी और कोरोना पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगी और अब वहीं पे चुनाव तक रहने वाली हैं। इससे पहले आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा प्रियंका गांधी वाड्रा को ही माना जा रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हो सकी है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने
कुछ दिन पहले ये दावा किया था कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा प्रियंका गांधी वाड्रा ही होंगी। हालांकि इधर बीजेपी भी पूरी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी ने भी अभी तक कई बार की बैठकें कर ली हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई और बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं। और इधर कांग्रेस भी अब तक कई बार वर्चुअल बैठक कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने एक नई रणनीति बनाई है जिसके तहत सभी विधायकों नेताओं को जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जानकारी देंगे। कुछ दिन पहले ही एक शैक्षणिक शिविर का आयोजन हुआ था जिसमें ये सारी जानकारी दी गई थी। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा इससे पहले कई विधायकों को फोन पर बात भी की थी और कई विधायकों से ये भी कहती दिखी थी कि वो कह रही थी कि सभी विधायक जमीनी स्तर पर कार्य करना शुरू कर दे ताकि बाद में ये नौबत ना आए कि पार्टी के पास चुनाव प्रचार करने के लिए समय ही नहीं मिला। इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने सभी विधायकों और नेताओं से फोन पर बात करके ये बातें कही हैं और साथ ही ये भी कही हैं कि नेता जो हैं वो टिकट की चिंता बिल्कुल ना करें, टिकट कंफर्म है लेकिन कार्य अभी से ही शुरू कर दे। 2022 चुनाव के लिए प्रियंका गांधी इन दिनों काफी सक्रिय हैं और काफी एक्टिव भी हैं और कई बार जो है वो पार्टी के विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक भी कर चुकी हैं। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भूपेश बघेल का भी इस्तेमाल किया जाएगा। भूपेश बघेल जो हैं वो उत्तर प्रदेश जाएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी 15 जुलाई के बाद कभी भी उत्तर प्रदेश जा सकती हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित करती दिखेंगी। इससे पहले आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में हुई कोई भी घटना में काफी मुस्तैद रही हैं और जब भी किसी घटना पर धरना करना हो या पीड़ितों से मिलना हो प्रियंका गांधी उसमें भी काफी एक्टिव दिखी है और वो जाके भेंट भी कहीं की है। इससे पहले ही आपको बता दे कि जन जन तक पहुंचने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा जमीनी स्तर पर लखनऊ जाएंगी और उत्तर प्रदेश के कई महिलाओं से भी मुलाकात करेंगी और लोगों के दुख दर्द को भी साझा करेंगी और साथ ही आश्वासन भी देंगी। वहीं पार्टी अब अपनी नई रणनीति बनाती दिख रही है। 15 जुलाई के बाद जो है प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश जाएंगी और अपनी नई रणनीति के तहत कार्य करेंगी। वहीं आपको बता दें कि भूपेश बघेल सिमला से लौट रहे थे जिसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी से बात की और सोनिया गांधी से बात करने के बाद ये नतीजा सामने आया है कि भूपेश बघेल भी अब उत्तर प्रदेश में एक्टिव नजर आएंगे और उनकी भी एंट्री अब उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। कांग्रेस कोई भी जो है वो मौका नहीं छोड़ना चाहती, हर तरह से उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता दिखा रही है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।